हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग टाइगर। मैं हूं चंदन और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहां आया हूं। मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं, दिस इज़ द ताजमहल। और ताजमहल जो है, इसे बनाया था शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए, और इसे प्यार की निशानी भी कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आप ताजमहल कैसे पहुँच सकते हैं, ताजमहल की एंट्री टिकट क्या है और ताजमहल के रूल रेगुलेशन क्या है। तो वीडियो को पूरा देखना एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं आपको बता दूं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ रहम कर दो यार। एक ही बात बोलना चाहता हूं अपने सब्सक्राइबर को, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे, देखें और इसको सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दिल्ली से आगरा के लिए आपको नई दिल्ली से काफ़ी सारी ट्रेनें मिल जाएंगी, और ये ट्रेन जो है आपको मात्र 2 घंटे के अंदर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचा देगी। मैंने स्लीपर क्लास में टिकट बुक कराई थी और उसका टोटल किराया मुझे 180 रुपये पड़ा था। यानी सिर्फ 180 रुपये में आप दिल्ली से आगरा कैंट मात्र 2 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। दोस्तों, अपना रूम दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि जिस रूम में मैं रुका हूँ उसका नाम है टाउन हाउस 3, एंड ये आगरा के ताज गंज में पड़ता है। यहाँ से जो ताजमहल है वो 2 किलोमीटर दूर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय वॉक भी जा सकते हैं सुबह सुबह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुश्किल से आपको 20 मिनट लगेगा पहुँचने में, बाकी ऑटो रिक्शा या आपको ई रिक्शा वगैरह रास्ते में मिलते रहते हैं, तो वो 10 रुपये में आपको ड्रॉप कर देंगे। एंड ये जो पूरा रूम है ये मेरे को पड़ा था 350 रुपीज़ में, क्योंकि मैं ये बजट टूर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस वजह से मैं जो भी बजट ले रहा हूँ काफ़ी टाइट बजट में चल रहा हूँ। तो 350 रुपीज़ में है और एक रूम है। एक रूम में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है वो मैं आपको बताऊँगा। ये जो है आप देख रहे हैं, टीवी वगैरह सब कोई देता है, उसके साथ टॉवेल वगैरह और जो भी है मिरर सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। एंड ये एंट्री है यहाँ की। इसके अलावा जो बेड रूम है, इसका बेड शीट या बेड जो है वो 2 बेड शीट मिलेगा आपको। एंड इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे एसी भी है, एसी के साथ आपको पंखा है वो भी मिल जाएगा। तो 350 में विद एसी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कौन सा, हमें यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बितानी है, सही है ना, ज़िंदगी नहीं बितानी, एक दिन बिताना है बस, तो इसीलिए बजट टूर में चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एसी वगैरह सब है, बाकी डूर दिया हुआ है, डूर के अंदर आप जो भी वगैरह सामान है अपना हैवी लगेज लेके आते हैं तो इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि तो कुछ लोग हैं काफ़ी दूर वगैरह से आते हैं, हैदराबाद से, कर्नाटका से, केरला से, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, तो ज़्यादा लगेज होता है उनके पास, तो इसमें रख सकते हैं आप लोग। एंड इसके अलावा जो वॉशरूम है वो देख लीजिए आप लोग। वॉशरूम जो है इसमें आपको गीजर वगैरह सब मिल जाएगा, बाकी वेस्टर्न टॉयलेट है, वेस्टर्न टॉयलेट ही चलता है होटल्स वगैरह में। एंड ये झरना वगैरह जो भी है, गीजर से आप ठंडा पानी गर्म पानी अकॉर्डिंग टू सीजन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इसमें मिरर दिया हुआ है, देख सकते हैं अपने यूट्यूबर को आप, सस्ता यूट्यूबर बेचारा क्या करे। एंड इसके अलावा इसमें आपको मेन्यू चार्ट भी मिलता है, खाना मंगाना है तो ये है। और भाई साहब बहुत महंगा खाना है, ये तो ताज होटल को भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इन लोगों ने। ताज होटल देखा होगा ना आपने, सुना होगा ताज होटल का नाम, ताज होटल वगैरह में ऐसे ही खाना, ऐसे ही रेट का खाना मिलता है। देखो आप, 20-20 रुपए की रोटी है और सब्जी लोगे तो आपको 200 से कम की कोई सब्जी नहीं दिख रही इसमें, सारी सब्जियां, एक सब्जी है 180 रुपए की, बाकी सब 200 से ऊपर, काफ़ी हैवी खाना है। तो खाना जो भी खाना होगा वो बाहर से खा लेना आप लोग, अंदर जो होता है वो कमीशन से काम चलता है। तो ये है रूम टूर। एंड अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, अब मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ताजमहल पहुँचूँ,
क्योंकि मैं ताजमहल विजिट करना चाहता हूँ अर्ली मॉर्निंग में, सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह इतना रश नहीं होता है, एंट्री आराम से हो जाती है और उसका व्यू भी काफ़ी अच्छा रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वेदर होता है ना, वो ठंडा रहता है। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो बस के थ्रू आते हैं एंड वो पहुँचते हैं 10-11 बजे, और तब तक इतनी धूप हो चुकी होती है गर्मियों में कि ताजमहल में पसीने छूट रहे होते हैं। तो सिर्फ ताजमहल देखना है तो थ्रू ट्रेन यहाँ पे आई है, मैंने आपको बता दिया, 185 रुपीज़ लगते हैं ट्रेन से इधर पहुँचने में, आराम से स्लीपर में सो के आ सकते हो। तो वो भी शाम को 4 बजे चलती है, तो शाम को आने में कोई दिक्कत नहीं है, दोपहर में आते तो कोई दिक्कत होती। दूसरा, मैं ताजमहल के लिए निकलता हूँ एंड वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ पहुँच के ही आपको बताता हूँ ताजमहल की सारी इन्फॉर्मेशन एंड मिलते हैं आप सीधा ताजमहल में। दोस्तों, मैं जिस गेट से एंटर ले रहा हूँ ये वेस्ट गेट है, वैसे इसमें एंट्री के 3 गेट है और तीनों में से ये जो गेट है ये वेस्ट गेट है। सो वेस्ट गेट से मैं एंटर ले रहा हूँ एंड वेस्ट गेट इसलिए बेस्ट माना जाता है क्योंकि वेस्ट गेट पे आप पार्किंग वगैरह भी कर सकते हैं एंड दूसरा कि टिकट काउंटर पे ज़्यादा रश नहीं होता है एंड तीसरा ये कि यहाँ से सीधा आप रेडफोर्ट जो है वहाँ जा सकते हैं। दिस इज़ द व्यू ऑफ ताजमहल एरिया। मेरे पीछे आपको काफ़ी सारे रूम्स नज़र आ रहे होंगे, देख सकते हैं आप ये वाले, ये वो रूम है जहाँ पे मज़दूर रहते थे जिन्होंने ताजमहल को बनाया था, तक आ जाता उनके हाथ काट दिए गए थे। लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि उनके सच में हाथ ही काटे गए थे ASI की तरफ से, ऐसी ही कहावत है। और दूसरा, आपको पीछे देख रहे होंगे आप ये सब रूम वगैरह, ये रूम वगैरह देख रहे हैं आप, इस वन ये सारे रूम जो हैं इन्हीं रूम में उस टाइम के जो मज़दूर थे वो रुका करते थे। देखो आप इन रूम्स में उस टाइम के मज़दूर वगैरह थे वो इन रूमों में रुका करते थे। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, देखिए ये गेट वगैरह है, लाइन से वो रहते थे, देख के चलना पड़ेगा भाई, सर न लग जाएगा। और इन सब रूम्स वगैरह में वो स्टे करते थे क्योंकि उस टाइम बरसात वगैरह या धूप वगैरह ये सब होती थी, उस वजह से जो है उनको यहाँ स्टे करना पड़ता था। और वैसे भी ताजमहल को बनने में काफ़ी टाइम लग गया था, इस वजह से उनको रहने के लिए प्रॉपर जगह दे दी गई थी। तो ये जितने भी मज़दूर वगैरह थे वो यहीं स्टे करते थे, आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया है, तो इसमें वो रुके थे। ताजमहल में एंट्री करने के बाद आपके दोनों साइड जो है वो आपको वॉशरूम मिल जाएगा। जैसे आप एंट्री करते हैं ताजमहल के सामने आप खड़े रहेंगे, आपके दोनों साइड वॉशरूम है, तो यहाँ वॉशरूम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जब भी आएँ पूरी तैयारी के साथ आएँ एंड काफ़ी इंस्ट्रक्शन है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, उस इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करते रहिए। तो ये रहा मेरे पीछे बैक साइड में ताजमहल, देख सकते हैं आप।
ताजमहल में एंट्री के टाइम ट्राईपॉड या फिर कोई खाने का सामान, टेम्बैको, सिगरेट और पानी का, पीने का पानी वगैरह, ये सब अलाउ नहीं है। तो आप वो सब कैरी नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी चीज़ मत कैरी करिए जिससे आप व्लॉग बना सकते हो या कोई डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो, ये सब अलाउ नहीं है। बाकी ताजमहल के अंदर आने के लिए दो तरीके की टिकट लगती है। पहली टिकट होती है 50 रुपीज़ की, जिससे आप सिर्फ चारों ओर यानी ताजमहल के चारों ओर जो है विज़िट कर सकते हैं, ताजमहल के ऊपर नहीं आ सकते। एंड अगर आप ताजमहल के ऊपर आना चाहते हैं जहाँ मैं हूँ, वहाँ के लिए आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इंडियन के लिए। एंड ऊपर आने के लिए आपको ये शू कवर लेना पड़ेगा, आप देख रहे हैं ये शू कवर जो है ये लेना पड़ेगा। विदाउट शू कवर आप ऊपर नहीं आ सकते, अलाउ नहीं है। बाकी ताजमहल जो है इसे शाहजहाँ ने बनाया था 16th century में अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा ताजमहल, क्योंकि मुमताज़ जो थी उनके नाम में ताज शब्द आता था, उसकी वजह से इसका नाम ताजमहल पड़ गया। बाकी आप देख सकते हैं पूरा मार्बल से बना हुआ है। एंड शाहजहाँ जो थे उन्होंने ताजमहल बनाया था हुमायूं टूम्ब को देखने के बाद, हुमायूं टूम्ब का देख कर ही उन्होंने ताजमहल बनाया था। एंड दूसरा कि जो हुमायूं थे वो शाहजहाँ के ग्रैंड फादर थे, तो अपने ग्रैंड फादर के मकबरे को देख के ही उन्होंने ताजमहल बनाया था। एंड देख सकते हैं आप पूरा व्यू है। एंड ये पीछे जो है ये मॉस्क है, ये उस समय का मॉस्क हुआ करता था, यहाँ पे आज भी नमाज अदा की जाती है। तो फ्राइडे का टाइम इसी वजह से ताजमहल जो है क्लोज रहता है। तो कभी भी आप ताजमहल आते हैं तो फ्राइडे को विज़िट मत करिए, क्योंकि ताजमहल जो है वो फ्राइडे को क्लोज रहता है नमाज अदा करने की वजह से। तो फ्राइडे को छोड़ के कभी भी आइए। एंड मॉर्निंग में 6 o'clock ओपन हो जाता है एंड इवनिंग में 6:30 जो है ताजमहल बंद हो जाता है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे बैक साइड में, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रिवर दिख रहा है आपको, ये रिवर जो है यमुना रिवर है। एंड यमुना रिवर के पास ही जो शाहजहाँ है मैक्सिमम अपने जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह वो डिज़ाइन करते थे, लाइक जैसे ताजमहल है पहला, दूसरा है फोर्ट, आगरा फोर्ट भी है वो भी उसके पीछे बना हुआ है। एंड उसके अलावा आप देखेंगे दिल्ली में जो फोर्ट है लाल किला, वो भी बनाया गया है सेम टू सेम यमुना नदी के बगल में ही। तो चलते हैं आगे, मेरे पीछे ताजमहल है एक, आपने सुना होगा शाहजहाँ जो थे वो एक और ताजमहल बनवा रहे थे। तो आप देख सकते हैं ताजमहल के एग्जैक्ट बैक साइड में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह दिखेंगे जो कि पूरे कंप्लीट नहीं है, रेड कलर के दिख रहे होंगे आपको, देखो आप रेड कलर का दिख रहा है। एंड ये जो था ये शाहजहाँ बनवा रहे थे ब्लैक ताजमहल, ऐसा कहा जाता है कि उनकी ख्वाहिश थी कि एक ब्लैक ताजमहल भी बनाया जाए, लेकिन इनकम्प्लीट रह गया। एंड वो जो एरिया बैक साइड का उस एरिया को कहा जाता है मेहताब बाग। दोस्तों आपको दिख रहा होगा आगरा फोर्ट, ये जो है ये आगरा फोर्ट है। तो शाहजहाँ वहीं से बैठ के जब उनके बेटे ने उन्हें कैद कर दिया था तो वहीं से बैठ के वो ताजमहल को देखा करते थे इस साइड, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप ताजमहल पर चढ़ते टाइम आपके राइट साइड में ये मिलेगा आपको। सो ये महकाना है, ये मस्जिद नहीं है, मस्जिद दूसरी साइड है, बट दोनों की बिल्डिंग जो है दोनों सेम है। महकाना मतलब उस टाइम का जो कहते थे कि मेहमानों के लिए स्टे होने के लिए या उनके स्टे करने के लिए प्लेस था वो था। एंड ये पड़ेगा मस्जिद के ताजमहल जो है उसके राइट साइड में, जब आप ताजमहल पर चढ़ रहे होगे आपके राइट साइड में। लेफ्ट साइड में भी सेम बिल्डिंग है लेकिन वो मॉस्क है। एंड आई शो यू समथिंग, दिस वन देख रहे हैं आप, यहाँ पे गेट वगैरह लगे, गेट्स वगैरह आप देख रहे हो, सब बंद किया हुआ है। ताजमहल के अंडरग्राउंड में टोटल 22 कमरे हैं, जिनको लास्ट टाइम 1921 में ओपन किया गया था, उसके बाद से वो ओपन ही नहीं हुए, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना।
ताजमहल का जो संगमरमर है उसे राजस्थान से इंपोर्ट करवाया गया था, जोधपुर से। एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारा जो प्लेस है, सारे गेट्स जो हैं, सारे गेट्स वगैरह जो हैं वो अभी क्लोज चल रहे हैं, इन सबको बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, इसके अंदर कोई जा नहीं सकता है। हाँ, ताजमहल का जो असली मकबरा है वो साल में एक बार खुलता है, और अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कैलेंडर उसमें आपको देखना पड़ेगा कि शाहजहाँ का बर्थडे कब पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपको गेस करना पड़ेगा। बाकी बैक साइड में आप देखिए यमुना रिवर है बैक साइड में, तो ये ताजमहल के एकदम बैक साइड है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो प्लेस है ये ताजमहल का फ्रंट फेस हुआ करता था, नॉट बैक साइड एक्चुअल में। तो यहाँ से एक और ताजमहल बना रहे थे शाहजहाँ, जो कि ब्लैक कलर का था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तो आप बैक साइड में देख सकते हैं, आपको कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह दिख रहे होंगे काफ़ी पुराने मॉन्यूमेंट्स के। ताजमहल देखने के बाद मैं निकल पड़ा आगरा फोर्ट की ओर। आगरा फोर्ट का वीडियो जो है वो मेरी अगली वीडियो में आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्त, अपने परिवार या किसी ऐसे दोस्त को जो आगरा आने वाले हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।